सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने और सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना नामक एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है, जिसमें बच्चों और महिलाओं को संस्थागत प्रसव, निःशुल्क एम्बुलेंस, दवाइयाँ और टीकाकरण आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हैं। परंतु गाजीपुर जिले के सादात ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर में आने वाली महिलाओं से कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर धन उगाही की जाती है, उन्हें दवाइयां बाहर से खरीदवाई जाती हैं तथा डिलीवरी के बाद पैसा लिया जाता है। वह पतो के डिलीवरी रहा लेगा ले ली तो डिलीवरी गाड़ी में हो गई तो कम पैसा रहा तो देते रह ली तो ना लेनी कहा कि नहीं 500 रुपया चाहिए तो 500 न देनी सौठे दाई के देनी लौटाने ली अली तो गाड़ी वाला कहा इतना पैसा लेबा तो हम ले चला। कितना मांगा था? ऐसा ना कि 600 रुपया दे ली। वहाँ दवाई ना मिला आपके अंदर? नहीं, वहाँ दवाई एक ठे ना मिला। जितना लिखना बहरे का 500 का दवा हम लिए। 1400 रुपया मिला रहा? हाँ 1400 रुपया मिला। तो 1400 मिल के का कैलस कि उसे ढेर तो देवे के हो गए, दवाई बाहर से ले ली, गाड़ी का दाम दे ली। जब डिलीवरी करीबी आ गई तब आशा के फोन करनी, आशा आईनी एम्बुलेंस के 108 नंबर पर फोन करनी तो ले गई स्वास्थ्य केंद्र पर मिर्जापुर। मिर्जापुर गए के बाद में वहाँ बच्चा पैदा भर लड़का भले के बाद में आशा आईनी 200 रुपया का मांग रही और बोले कि एनम नर्स 500 रुपया मांग रही है। तो हम बोले कि अरे गरीब आदमी हम कहाँ से 500 रुपया देंगे आपको, 200 रुपया देंगे हम, 50-50 रुपया देंगे। तो बोले कि 50 रुपया हम भीख मांग रहे हैं, हम फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पर। 500 रुपया देने के बाद कंजा के मन के घरे पहुँचावा तो कहने की नहीं मन घरे ना पहुँचावा, जैसे एम्बुलेंस के कंजा के मन के घरे छोड़ा। एम्बुलेंस वाला बोल कि 500 रुपया देबू तो घरे जा जाएंगे, ना मानल तब 350 रुपया में बोलेरो आई सामान के घर तक पहुँचा लो। दवा कहाँ से लिए थे? दवा बाहर से। कितने दवा? 500 रुपया का दवा आई। क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात होती है बहनों के और बच्चों के इस तरह की जब बात होने लगती है तो बहनें बताने लगती हैं उनको। हम लोग जब जागरूक करने का जो सोच तैयार करते हैं कि आप जाएंगी तो आप गरीब हैं आपको 1400 रुपया भी मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगी वहाँ, आप तो उनको लगता है कि मतलब वहाँ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो अपनी पूरी बात को अवगत कराने लगती है। तो वहाँ वो बताती हैं कि दीदी हमें जाने से क्या मतलब है, वहाँ सबको पैसा देना पड़ता है, वहाँ रहने का कोई बिजली और कोई पंखा वगैरह इस तरह की कोई बहुत व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा भी लोग मांगते रहते हैं, पूरी दवा बाहर से लिख दी जाती है तो आप क्या हम लोगों को समझाती हैं, हम क्या जा करके हम लोग अस्पताल पर करेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाँव के केस है, दो चार हमारे 29-30 गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां इस सब शब्द निकल करके ना आया हो। मैं चाहता हूं कि इस अस्पताल में भ्रष्टाचार समाप्त हो, सभी महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले के DM जिनका मोबाइल नंबर है 9450017577 पर फोन कर दबाव बनाए। मैं अनिल कुमार सरोज सादात ब्लॉक गाजीपुर से उत्तर प्रदेश इंडिया नेट के लिए।